चाइना से तरबियत लेनी है चाइनीज पुलिस से, तो फिर उनकी जबान तो पहुंचो को चोपो पहुंचो सीखनी तो पड़ेगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बाकी सबको सिखाइए। मैनू जरा मुश्किल पैन रही, मैं बुरे वाले जी भुट्टे दा भार बहुत है, कितने चाइनीज की थां कोरियन ना बन जाइए। ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਬੇਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੇਟੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨੱਕ ਦੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੂੰ। ਰਜ਼ੀਆ ਤੁਮੇ ਪੂਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੋ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਭੂਲ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੀ? ਅੱਛੀ ਮੱਕੀ ਜੀ ਜੀ ਪਕੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। सिद्दीक साहब आप तो जुबान सीखने पर लग गए। आईजी साहब ने तो वहाँ पुलिस हुकाम से जो मुलाकातें की हैं उसके मुताबिक पंजाब पुलिस का मेयार बेहतर बनाया जाएगा, यानी साइबर सिक्योरिटी, जराइम पर कंट्रोल और जनरल पुलिसिंग को बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने चीन में मुलाकातें की हैं। अच्छा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ट्रेनिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो तो जुबान है ना जी। अच्छा। पहले जुबान सीखेंगे फिर इंशाल्लाह हमें ट्रेनिंग की समझ भी आएगी और फिर हम इंशाल्लाह पूरे चाइनीज हो जाएंगे। हमने तो आईजी साहब को दरख्वास्त भी किया कि सर खुदा के लिए हमारे थानों के अंदर चिकन मंचूरियन नूडल्स और अपना चिकन शैशलिक वगैरह हॉट एंड सॉर सूप वगैरह सप्लाई करवाना शुरू कर दें, ताकि हम हल्के हल्के चाइनीज लगना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने वैसे अपने नान चने पे वो स्टिकों की ट्राई की है मगर वो सोटियां दे नाल चने उठाए नहीं जाते ही साडे कोलों। बच्ची माची का कली बच्ची का पकल जा। बेटे 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 ओनी को बोलनी है कि चाइनीज लगे पागल ना लग गल्ला कोई। सर अब हमें ब्रूस ली की सारी फिल्में भी देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्रेनिंग का हिस्सा है ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल सिद्दीक साहब खाने पीने पे लग गए, फिल्मों पे लग गए, दावे ज्यादा काम कम और जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, वहां भी कुछ तवज्जो है आपकी? देखिए देखिए फरीद साहब, अल्लाह के फजल से जुराइम की जो शरह है ना वो हम कम करने की सोच रहे हैं इंशाल्लाह। वो जो शरह की लिस्ट है ना वो हमने कह दिया है कि वो पुलिस खुद बनाएगी। ये जो दूसरी एजेंसियां शरह बताती हैं वो गलत बताती हैं। बिल्कुल वो खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, पुलिस वाले खुद बनाएंगे। जी जी जराइम की शरह भी बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे एक गांव में गांव वाले ने सरकारी मुलाजिम को कहा कि दरिया में पानी खतरे के निशान से 2 फुट नीचे रह गया है। अच्छा। तो सरकारी मुलाजिम ने कहा कोई बात नहीं, उसने अपने लोगों को भेजा और कहा कि खतरे के निशान को 4 फुट ऊंचा कर दो। वाह 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 यार, देखो कैसा अकलमंद ऑफिसर है पुट्टा साहब। क्या कहना, वरना सारे गांव को वक्त पड़ जाना था कई हफ्तों तक। जी जी। कैसी अकलमंदी की उसने, 2 मिनट में उसने खतरा टाल दिया। वाह 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 सर जी, मैं लगता है नहर वाला अफसर भी पहले पुलिस में चले है। बेटे देखो बात ये है अपना फरीद साहब के इंशाल्लाह जुराइम की शरह भी नीचे आएगी इंशाल्लाह, नीचे आएगी इंशाल्लाह। ये जरा चाइनीज ट्रेनिंग पूरी हो लेने दे, चाइना की पुलिस का मायार भी ऊपर जाएगा और हमारा भी मायार ऊपर जाएगा। हम उनके तरीका कार को फॉलो करेंगे और वो साडे क्षेत्र ते गाला नु फॉलो करेंगे। जी जी सिद्दीक साहब, ये अच्छा कदम है कि एक दूसरे से सीखना चाहिए। लेकिन सीखेंगे आप तभी जब आपकी नियत ठीक होगी। फरीद साहब मैं कहता हूँ आपको मालूम ही नहीं कि कैसे नियत वाले, अच्छी नियत वाले आईजी साहब आए हैं। इस तरह का आईजी आपने पहले कभी नहीं पुलिस की तारीख में देखा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ना ना ना। जी जी हमें पता है कि आपके आईजी के बारे में क्या ख्यालात होते हैं। सर जी बड़ी मुश्किलात आ रही है चाइनीज ट्रेनिंग हासिल करते हुए, मार्शल आर्ट में पुट्टा साहब ऐसे बैठ के उठे हैं तो उठा ही नहीं गया, चुक पै गई जनाब ने। अब बेटा आहिस्ता आहिस्ता उठक बैठक ठीक हो जाएगी। अब बेटे पहले अपनी ट्रेनिंग भी तो ठीक करो ना। मैंने कहा पुट्टा साहब चाइनीज गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी आइंदा आपने गर्म पानी पीना है। तो सिपाही नु कहंदे एक जग गर्म पानी दा बुला के ओदे च अद्धी बोतल रूसदा दी पा के लै आ। सिद्दीक साहब आप लोगों की ट्रेनिंग तो ठीक होगी तो होगी, फिलहाल कारकर्दगी आप लोगों की बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखें, ये एक मुजरिम पकड़ा मोबाइल चोरी का, ये देखें इसको पकड़ा, ये थाने में पानी पीने के बहाने दौड़ गया और उसके बाद जो इन लोगों की दौड़े लगी हैं
वो कोई इनसे ही पूछे। देखिए पुटे किस तरह तेरी वजह तो जलील हो रही है ना मुरादा। कहते सर जी मैं किसी को खान पीन तो नहीं रोक सकता। उन्हें कहा भाई जी मैं पानी पीया वा। कहते जाओ जी बिस्मिल्लाह पियो खाओ पियो जो मर्जी। वो भाई तेरा वो कजन है या मुजरम है? वो पानी पीन गया दौड़ गया। जी हमें मालूम है, 3-4 घंटे पुलिस को वक्त पड़ गया तब जाके इसकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में आई है। अच्छा जी जी। और ऐसा तेज आदमी जे पुट्टा कहंदे जी मैं कह चलो बारो टूटी तो पानी पी के वापस आ जाएगा। हाँ। ते थाने को दौड़ गया। हाँ। और जो तो पुलिस दियां दौड़ां लगियां ने असीं इहदे पिंड पहुंचे आ। हाँ। ते उत्थे बकरियां दे नाल बकरा बन के नहर चो पानी पी रिहा सी। और पुलिस नूं वेख के बै बै करन लग पिया। मैं जाके फिर मारिया पूछल ते ठुड्डा ते सीधा नहर च डिग्गा। उत्थों फिर मैं गिल्ला गिल्ला बकरा ही चुक के ले आया। ओ सर जी देखो तो सही बकरियां जैसा मिक्स होया हजे भी बकरे ही लगन रहे। ओ बकरियां च रह के बकरे ही लगना सी और मैं आता फसल में लगना सी। बजाय तो एक मामूली वाकया लगता है लेकिन इससे पुलिस की गैर जिम्मेदारी खुलकर सामने आ गई। हाँ जी सर। भाई अगर मुलजिम को प्यास लगी है तो इनका फर्ज है कि उसको पानी मंगवा कर पिलाए। बिल्कुल। यानी कि ये क्या बात हुई कि उसको बाहर जाने की इजाजत दे दी कि जाओ पानी पीने चले जाओ। और वो मुलजिम है, क्लास का स्टूडेंट नहीं है कि बाहर जाएगा पानी पीने और वापस आ जाएगा। देख रही है पुटे देख रही है। और सर जी पहले मेरे जेन में आया था जब मैं भी मैट्रिक के इम्तिहान में पानी की इजाजत लेके पानी पीने जाता था तो मकसद पानी पीना नहीं होता था, मैं तो बूटी लेने जाता था। इसलिए मेरे दिल में आया कि कहीं ये 2 नंबर काम ना कर जाए। फिर मैंने सोचा कि नहीं भागेगा नहीं, पुट्टे की एक दहशत है वापस आ जाएगा। और सर जी मैंने सोचा था कुछ नहीं सोचिया, तू कुछ नहीं सोचिया। तंदूर वाले तो इलावा इलाके च कोई बंदा नहीं तेरे को डरदा। तंदूर वाला सिर्फ इन्हू वेख के कहता गया लो फिर आ गया जी। सर जी पानी पीने की इजाजत शुरू से ही मशकूक रही है। रजिया तुम्हें याद है जब तुम ऑफिस से बाहर जाती थी तो मैं पानी पीने के बहाने तुम्हारा पीछा करता था। ओए गो अकल करो ए, ओ कैमरे चल रहे नहीं ओए। सॉरी सॉरी अतीक, ओ बेटा क्यों ऐसा चलो जलील करा रहे हो। सॉरी माफी चाहने। सर जी ऐ ते हर वेले वखरे ही माइयो सही ते मैं वश यात बने हुंदे ने। मैं तो इस मुजरिम पर हैरान हूं कि एक तो ये मोबाइल चोरी करता है, ऊपर से पुलिस को चकमा दे गया। और नहीं सर जी मैंने वाकई प्यास लगी थी, मेरे जेहन च आया अति पुलिस नु ते हेपेटाइटिस होया, थाने पानी ना ही पिया, इस करके मैं पिंडो पानी पीने चला गया। इन्होंने समझिया रे नस गया। पिंड तेरे बड़ा मिनरल वाटर दी नहर वगदी है। हम उबला हुआ पानी पीते हैं। रजिया रोज उबले हुए पानी की 2 बोतलें लेके आती है, एक अपने लिए एक मेरे लिए। मेनू भी थाने उबलिया पानी पिया छड़ दे मैं ना पिंड जांदा। तू थाने आया भी मामे वाल नहीं आया? और जिथे रजिया पीन डई है मेनू भी मामा ही समझ लो। ओ तू मेरा भांजा है, मुलजम मेरा भांजा हो गया है, मुलजम मेरा भांजा। ओए मस्ता ओ की बन जांदी हो तैनू? मेनू भांजा बनाउंदे तेरे को पानी मंगया तू रोटियां लाण लग पिया। करके रखे बीवी रात नूं सारे मोबाइल की कारवाई देख लैंदी। ये तो सवेरे नाश्ते की क्वालिटी वेख के पता लगता है कि राती की बन गई है। जे नाश्ते च अंडा सड़िया मिले तो समझो बीवी ने मोबाइल चेक कर लिए है। अच्छा जे हाफ बॉयल होवे नाल मक्खन ते जैम भी होवे ते समझो बच गए हैं। नाज़रीन यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारे सियासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे जी, तो मैं उनको कहता था कि मुठ रखो। मगर ये लोग नई बात आए, अब उन्होंने लेवल कर दिया है। बल्कि ऐसे लेवल किया है जैसे इंजीनियर लेवल स्कोप से जमीन लेवल करता है। अब तो वो क्या कहते हैं कि नैब की सफ में खड़े हो गए जरदारी नवाज।